हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, विंडलेस बायोटेक की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंडल ऑन कॉन्सोलिडेटेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सोलिडेटेड कवर करेंगे, नंबर्स की बात करें मिलियंस में है। इनकम है 179 करोड़ का, मार्च 2024 में 175.7 करोड़ का, जून 2023 में 147.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 160.9 करोड़ का, मार्च 2024 में 153 करोड़ का, जून 2023 में 131 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18.3 करोड़ का, मार्च 2024 में 22.6 करोड़ का, जून 2023 में 16.3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 13.4 करोड़ का, मार्च 2024 में 16.9 करोड़ का, जून 2023 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS कंपनी का निकल के आया है, अगर देखा जाए तो 6.844 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। रिजल्ट गाइस, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन है, बट इनकम में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अगर हम कंपनी का स्टैंड अलोन कवर करें तो इनकम है 179 करोड़ का, मार्च 2024 में 175.7 करोड़ का, जून 2023 में 147.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 160.9 करोड़ का, मार्च 2024 में 153 करोड़ का, जून 2023 में 131 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंस इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18.3 करोड़ का, मार्च 2024 में 22.5 करोड़ का, जून 2023 में 16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 13.4 करोड़ का, मार्च 2024 में 16.9 करोड़ का, जून 2023 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 6.44 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक रिजल्ट, इसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट में डाउन हुआ, इसके बाद कंपनी के शेयर को इंपैक्ट पड़ा। 2.5 में इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही कंपनी का शेयर क्रैश किया और 770 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और 12.59% का लॉस है, क्योंकि रिजल्ट में प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन था, इसी वजह से इसका शेयर क्रैश किया। 5 डे में 2.7% का लॉस है, 1 मंथ में 11.4% का लॉस है और प्रॉफिट है, और 6 मंथ में 57% का प्रॉफिट। और गाइस, इसका एक और कारण भी, सिर्फ यही कारण नहीं बल्कि एक और कारण भी कि कंपनी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर बॉट जोन में चल रहा है, और यहाँ से गाइस प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला, क्योंकि आज के दिन 52 वीक हाई के आसपास कंपनी का शेयर था और रिजल्ट आते ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन होने के कारण प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेजी से होना शुरू हो गया। इसलिए गाइस, अगर आप इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं थोड़ा वेट एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डाउन तो हुआ लेकिन उसको फिर थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए गाइस, अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें एवरेज करना तो एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।